का पर्व कर्मा आज विधि विधान के साथ पूरे राज्य में मनाया गया। बता दें कि प्रकृति के साथ यह पर्व भाई बहनों के पवित्र रिश्ते के बंधन का पर्व भी है, जिसमें बहनें भाई की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व कर्मा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। सबसे पहले कर्म डाली लाकर अखाड़े में रखा गया, उसके बाद बहनों द्वारा उसकी पूजा की गई। इस दौरान ट्राइबल संगीत और नृत्य भी पेश किए गए। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राएं पारंपरिक परिधानों में नजर आए। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पूरे राज्यवासियों को कर्मा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकृति से हर किसी को जुड़े रहना चाहिए। कहूंगा कि यहां जमीने ट्राइबल की फुटनाकू टेनिस से ऐड कर रहते हुए भी, संथाल अपना टेनिस से रहते हुए भी छीनी जा रही है। मैं साफ साफ प्रदम कहूंगा, कोई खरीद ले परमिशन से, डीसी के परमिशन लेकर के, तो उसे छीनी भी नहीं कहेंगे, लेकिन परमिशन नहीं है। रांची में खास करके रांची के इर्द गिर्द में एक तरह से जमीनें ट्राइबल की छीनी जा रही है, तो हम सबको मिल करके ट्राइबल्स को मदद करना है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन शांडिल्य और पद्मश्री मधु मंसूरी के साथ पद्मश्री मुकुंद नायक भी मौजूद रहे। मांदर और नगाड़े की आवाज पर सभी लोग थिरकते नजर आए। कर्म कर्मा भी बोलते हैं, कर्म प्रधान है मानव जीवन में, इसका संदेश दिया है। और कर्मा प्रकृति पर्व है। प्रकृति पर्व में हमारे पुरखे, आदिवासी मूलवासी पुरखे, विशेषकर झारखंड राज्य, पड़ोसी राज्यों और देश को और दुनिया के लोगों को यही संदेश दिया है कि आप प्रकृति का संरक्षण करें, पोषण करें, इसका दोहन नहीं करें। प्रकृति से ही हम आप हैं, पूरा सृष्टि है और संस्कृति भी इसी से है, तो उसको आप दोहन न करें। पद्मश्री मुकुंद नायक ने कहा कि कर्मा पर्व हमारे पूर्वजों की देन है और कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से नजदीक रखने का एक संदेश है। कर्म गोसाई को प्रणाम करते हैं और हमारे पूर्वजों का आभारी है। एक इतना बढ़िया कर्म पूजा स्थापित करके गए हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक त्योहार है। और ये त्योहार सिर्फ किसी एक समुदाय का नहीं। पद्मश्री मधु मंसूरी कहते हैं कि कर्मा पर्व मानव जाति को यह संदेश देता है कि सभी कोई मिलजुल कर रहें और पूर्वजों के द्वारा दिए गए इस पर्व के महत्व को बनाए रखें। कर्मा पर्व का उत्साह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय परिसर में देखने को मिला। हर कोई मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।